हिंदू धर्म में कबूतर श्रापित पक्षी, कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी जब हम वो बाबा अमरनाथ जाते हैं तो वहां पर तो फोटो जो मिलते हैं उसमें दो कबूतर के फोटो हैं, जिन्होंने अमर कथा सुनी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, किसी भी पुराण को उठाकर देख लेना, कहीं पर कबूतर का नाम नहीं लिखा। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत, शिव पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, शंकर भगवान ने जब पार्वती को अमर कथा श्रवण कराई अमर गुफा के अंतर्गत, तब उस समय शंकर भगवान ने तीन बार जब ताली बजाई तो कोटर में तोते का बच्चा, तोता उड़कर गया और तोते का अंडा उस कोटर में प्रविष्ट हो गया। तोते का अंडा जो कोटर में पड़ा हुआ था, उस अंडे के अंदर बैठे हुए तोते के बच्चे ने श्रीमद् भागवत कथा पूरी सुनी। जब पार्वती जी को निंद्रा आ गई, हुंकारा भरना पार्वती ने बंद कर दिया, तोते का बच्चा उस अंडे से बाहर निकल गया, उसने हुंकारा भरना प्रारंभ करा। वही तोते का बच्चा भागता हुआ वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंचा, बीठिका के गर्भ में बैठा, तब उस बालक का जन्म हुआ जिसका नाम श्री सुखदेव जी महाराज हुआ। ये शास्त्र कहता है। परंतु आजकल बर्फानी बाबा का जो फोटो होता है, शंकर जी का फोटो जो होता है, उसके साथ में कबूतर का फोटो लगा देते हैं। उसका कारण यह है, केवल हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं भ्रष्ट करना, क्योंकि हिंदू धर्म में कबूतर श्रापित पक्षी, उसकी पूजन नहीं, उसकी पूज्यता नहीं। हमारे यहाँ तोते की पूज्यता है, हमारे यहाँ सुखदेव जी की पूज्यता है। पर कई अधर्मियों ने तोते का फोटो उस बाबा बर्फानी के फोटो में से निकाल कर उन्होंने कबूतर का फोटो फिट कर दिया, जान कर कर कि देवता तुम्हारा होगा तो पक्षी हमारा होगा। केवल धर्म को भ्रष्ट कर दिया। शास्त्र कहता है, कबूतर की बीट जिसके घर की छत पर गिरती है, पड़ती है, उसकी यहां एक रुपए कमाओगे सवा रुपए खर्च वाला काम चलता है, पैसा घर में टिकता नहीं है। और घर में कोई ना कोई बीमार जरूर रहता है, अगर एक ठीक होगा तो दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक होगा तीसरा बीमार पड़ेगा, तीसरा ठीक होगा चौथा बीमार पड़ेगा, पर कोई ना कोई बीमार चलेगा ही। उसके घर में शांति नहीं रहती, अशांति बनी रहती है। घर में चार लोग भी रहेंगे तो अशांति रहेगी, दो भी रहेंगे तो अशांति रहेगी, घर से बाहर निकलेंगे तो शांति रहेगी, घर में जैसे ही गए अशांति चलेगी। मतलब कबूतर की बीट उसकी छत पे गिर रही है, कबूतर की बीट उसकी यहां पड़ जाए।